वेलकम टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मैथ्स क्लास 9 चैप्टर्स टॉपिक रिमूव्ड। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, जो पहला चैप्टर है उसका नाम है नंबर सिस्टम, जिसमें कुछ टॉपिक्स हैं वो डिलीट हुए हैं, जैसे कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल, जो एक्सपेंशन होता था नंबर लाइन पे, मैग्निफिकेशन वाला, जिसकी 1.4 एक्सरसाइज है वो आपकी कट गई है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर क्या क्या कटा है वो मैं बता देती हूँ। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कट गया है। फिर 1.3 की बात करूँ तो उसका क्वेश्चन नंबर 4 कट गया है, और 1.4 पूरी कट गई है, वो भी आपको नहीं करनी है क्योंकि उसके टॉपिक मैंने अभी आपको बताया है क्या है। उसके बाद 1.5 जो है वो भी आपको, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको नहीं करना है। फिर चैप्टर नंबर 2 की बात करूँ पॉलीनोमियल्स की, उसके अंदर रिमाइंडर थ्योरम के जितने भी एग्जांपल्स हैं आपको वो भी नहीं करने हैं। उसका जो आइडेंटिटी नंबर 8 है वो भी नहीं करना। और अगर एक्सरसाइज की बात करूँ तो 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको नहीं करना। फिर मैं 2.5 की बात करूँ अगर, तो 2.5 में आपको क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13-14 आपको नहीं करने। फिर मैं बात करती हूँ चैप्टर नंबर 3 की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। इसमें से आपका कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, तो आपको ये एज इट इज सारा का सारा पढ़ने हैं, सारा एग्जांपल्स और सारे क्वेश्चन आपको इसमें करने ही होंगे। फिर चैप्टर 4 की बात करूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें भी कुछ डिलीट नहीं हुआ, आपको एज इट इज सारा पढ़ना रहेगा। फिर मैं बात करती हूँ चैप्टर नंबर 5 की, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। इसके अंदर पहले भी ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं आते थे, मतलब 2 या 3 मार्क्स का रेयर ही आता था, और वो चैप्टर पूरा डिलीट हो गया था, डिलीट हो गया है, और इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना क्योंकि इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर मैं चैप्टर 6 की बात करूँ लाइन्स एंड एंगल्स की, उसके अंदर कुछ भी डिलीट नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है ये, इसलिए CBSE ने इसको डिलीट नहीं किया है, इसलिए आपको एज इट इज इसको पढ़ना रहेगा। फिर चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स जो है, उसके अंदर 2 थ्योरम जो है आपकी कटी हैं, 2-3 थ्योरम्स हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले एंगल साइड एंगल का कॉन्ग्रुएंस जो प्रूफ करना रहता था, थ्योरम नंबर 7.1, जो काफ़ी ईजी भी था, वो अब डिलीट हो गया, वो आपको नहीं करना। उससे रिलेटेड जितने भी थ्योरम्स या क्वेश्चन होंगे वो नहीं करने। फिर ट्राइंगल इन इक्वालिटी एंड रिलेशन बिटवीन एंगल एंड फेसिंग साइड वाली जो थ्योरम्स हैं, जो कि थ्योरम नंबर 7.6, 7.7, और एक्सरसाइज में भी आपको अगर इस तरीके से कोई इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली आपको अगर कुछ दिखता है तो आपको वो नहीं करना है, और एग्जांपल नंबर 9 नहीं करना। और जो ये थ्योरम्स है इसके अकॉर्डिंग 7.4 जो है वो सारी डिलीट हो चुकी है, वो भी आपको। फिर चैप्टर नंबर 8 में क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल, उसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, वो आपको एज इट इज पढ़ना है। फिर चैप्टर नंबर 9 जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स, वो पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट हो गया, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आपको ये चैप्टर पूरा नहीं पढ़ना है क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी क्वेश्चंस थे जो आते थे, बट अब वो नहीं करना है, तो आपका ये चैप्टर से आप नहीं करोगे। फिर चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स हैं, जिसमें कि आपकी थ्योरम नंबर 10.5 और 10.10 जो थ्योरम है दोनों, वो दोनों ही कट गई हैं। तो मैंने ये जो वीडियो बनाई है इसमें आप रोक के भी देख सकते हैं कि कौन सी दो थ्योरम है, पूरी पूरी मैंने लिखी हुई है, पूरी थ्योरम लिखी हुई है, बट मैं अभी आपको वीडियो में सिर्फ इतना बता रही हूँ 10.5 और 10.10 थ्योरम आपको नहीं करनी है। फिर चैप्टर नंबर 11 की बात करूँ, जो कि कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन चैप्टर में के अकॉर्डिंगली जो आपका जो टॉपिक कटा है वो ये है कि ट्राइंगल्स ऑफ गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल वाला जो टॉपिक है आपका, जो वो कट गया है, यानी कि 11.2 में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपको नहीं करना है। नॉर्मल एंगल जो कंस्ट्रक्ट होते थे वो आप करेंगे, बट जो बेस और पैरामीटर जो गिवन होता था और कंस्ट्रक्ट करना होता था ट्राइंगल, वो आपको नहीं करने हैं, और एग्जांपल नंबर फर्स्ट भी नहीं करना उसमें, और इसमें एक ही एग्जाम्पल है 11 चैप्टर में। और चैप्टर नंबर 12 की बात करूँ हीरोइंस फॉर्मूला की, तो उसके अंदर आपको एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6 नहीं करने हैं, और 12.2 आपको पूरी ही नहीं करनी। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप 12.2 के कुछ क्वेश्चन बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगते थे, अब वो नहीं करने पड़ेंगे। अब मैं बात करती हूँ चैप्टर नंबर 13 की, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, वो आपको एज इट इज जैसा है वैसे का वैसा ही पढ़ना है, उसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। चैप्टर नंबर 14 में हिस्टोग्राम विद वेरिंग बेस लेंथ जो था उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल नंबर 9 नहीं करना आपको,
और एक्सरसाइज 14.3 में क्वेश्चन है कुछ जो काफ़ी सारे कट गए हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वो भी आपको नहीं करना है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो बनाना आता था, हिस्टोग्राम से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है वो भी आपको नहीं करने। फिर मैं बात करती हूँ उसके आगे, मीन मीडियन मोड ऑफ अनग्रुप डाटा, जो डाटा अनग्रुप था उसमें जो मीन मीडियन मोड जो के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ तो उसके अंदर 14.4 में ये क्वेश्चन थे वो सारी डिलीट हो गई है। तो आपके लिए ये अच्छी चीज़ है कि 14.4 आपको पूरी ही नहीं पढ़नी है। फिर लास्ट चैप्टर जो है आपका प्रोबेबिलिटी है, चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, उसमें कुछ भी डिलीट एज इट इज ही पढ़ना है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।